आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर इस वक्त गाजीपुर से आ रही है। मोहम्मदाबाद पहुंच गया है अब्बास अंसारी। कड़ी सुरक्षा में मोहम्मदाबाद लाया गया है अब्बास अंसारी को। मुख्तार की कब्र पर वो फातिहा पढ़ेगा, पहले घर ले जाया जाएगा और उसके बाद अब्बास अंसारी को कोर्ट से 3 दिन की जो पैरोल मिली है उसके तहत 3 दिन गाजीपुर जेल में रहेगा अब्बास अंसारी। 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल से लाया जाएगा। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मोहम्मदाबाद पहुंच चुका है अब्बास अंसारी। दरअसल मुख्तार अंसारी की कब्र पे फातिहा पढ़ने की परमिशन उसने मांगी थी और कोर्ट से इसके आदेश होने के बाद वो अब मोहम्मदाबाद पहुंचा है जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मुख्तार की कब्र पर वो फातिहा पढ़ेगा, पहले घर ले जाया गया है अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी को कोर्ट से 3 दिन की पैरोल मिली है। सीधे अब आपको गाजीपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो पल पल पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। जी उपेंद्र, क्या अपडेट फिलहाल आप वहां से देना चाहेंगे? देखिए फिलहाल जो अब्बास अंसारी हैं वो अपने घर पहुंच गए हैं, बड़ा फाटक जिसे कहते हैं, और वहां पर वो परिवारजनों से मिल रहे हैं। परिवारजनों से इस पूरे जो उनके परिवार के लिए दुख है उस पर वो परिवारजनों से बात कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद यानी कि 5 से 7 मिनट बाद वहाँ से सभी परिवारजनों के साथ वो यहाँ पर पहुँचेंगे। ये जो आप सामने कब्रिस्तान देख रहे हैं जिसे कालीबाग का कब्रिस्तान कहते हैं और ये खुद मुख्तार अंसारी के परिवार का है जहाँ पर दुआखानी की जाएगी, फातिहा पढ़ी जाएगी। 10 दिन बाद मुस्लिमों में 10 दिन बाद कब्र पर फातिहा पढ़ी जाती है, तो ऐसे में फातिहा यहाँ पर पढ़ी जाएगी और फातिहा को ही मेन आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट पर अर्जी दाखिल की गई थी जिसके बाद 3 दिन का पैरोल मिला है। और ये आप तस्वीर देखें जहाँ पर आपको मिट्टी दिखाई दे रही होगी, यही मुख्तार अंसारी की कब्र है जहाँ पर अब देखिए जो तैयारी है वो कर ली गई है और यहाँ पर अब्बास अंसारी फातिहा पढ़ेंगे अपने परिवारजनों के साथ जिसमें उनके भाई होंगे अंसारी, इसके अलावा उनके बड़े पिताजी यानी कि जो सांसद अफजाल अंसारी हैं वो होंगे और परिवार के लोग होंगे। स्पष्ट रूप से संख्या तो नहीं अभी तक सामने आई है लेकिन माना जा रहा है कि प्रशासन ने गाइडलाइन बनाई है और 11 के करीब लोग होंगे जो उस वक्त जिनके लिए अनुमति होगी और वो प्रशासन के की सुरक्षा व्यवस्था में अंदर फातिहा पढ़ेंगे। करीब 17 महीने बाद अब्बास अंसारी गाजीपुर आए हैं। 2022 में नवंबर 2022 में जेल गए थे, उसके जनवरी 2023 के करीब से वो कासगंज जेल में है और जिसके बाद ये पहला मौका है जब वो गाजीपुर पहुंचे हैं। पिता उनके मुख्तार अंसारी की मौत के बाद काफ़ी परिवारजनों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी जिसके बाद अब जो रिचुअल्स होते हैं परिवार के उसमें शामिल होने के लिए 3 दिन की पैरोल मिली है। तो पहले रिचुअल्स के तौर पर आज फातिहा पढ़ी जाएगी जिसमें अब्बास अंसारी शामिल होंगे और उसके बाद जो भी कोर्ट का निर्देश है कि जो भी रिचुअल्स हैं उसको प्रशासन जांच कर ले कि वो रिचुअल्स हैं कि नहीं। अगर वो रिचुअल्स हैं तो उस रिचुअल्स के लिए उनके लिए 3 दिन की पैरोल दी गई है, उस रिचुअल्स में अब्बास अंसारी को शामिल कराया जाए। बिल्कुल, और कड़ी सुरक्षा और पूरी व्यवस्था बनाकर सबको पूरा करवाया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया।